अब आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा दिया है, लॉक कर दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगा या 2 से 3 विसल्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं बिरयानी कैसी बन के निकल के आती है। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू और कितनी बढ़िया अपीयरेंस आ रही है इस बिरयानी की। अब देखिए चावल का हर एक दाना अलग-अलग है, कोई भी चावल चिपका नहीं है आपस में, और सारा का सारा चिकन भी ऊपर फ्लोट कर गया है, मिक्स हो गया है थरोली, और बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ रहा है इस बिरयानी का। खुशबू इतनी बेहतरीन है कि अगर आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा पूरा का पूरा आप खा लें इसको। ये देखिए लाजवाब बेहतरीन, मुंह में पानी आ जाए देखते ही। ऐसी बिरयानी हैदराबादी दम बिरयानी घर में बनाइए प्रेशर कुकर में फटाफट और इसको एंजॉय कीजिए। देखिए सबसे मुख्य बात है कि इसके चावल का दाना हर एक अलग अलग है, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पाइसेस बिल्कुल मॉडरेट हैं टेस्ट में। इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो खाना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी रायते बिना किसी चटनी के, क्योंकि ये बहुत ही लेस स्पाइसी है। चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा सैलड खा सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप सब इसी को लाइक करेंगे और घर में अपने बना के एक बार ज़रूर इसको चखेंगे और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली को भी चखाएंगे। थैंक यू।